बाबा, जब वो नागिन वहां पहुंची तो हम यहां इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज उस नागिन को हमारे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा रुद्रा। उस नागिन की मौत तेरी जिंदगी का रास्ता खोल देगी। जय महाकाल। अमृता, बाबा की हत्या मेरे दुश्मनों ने की है। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, अमृता को बचाना ही होगा। पर कैसे? मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, पर कैसे? मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। नागिन तुम्हारे शिकंजे से नहीं बच सकते। रुको अमृता, अमृता रुको। विशाल का मौसी, मेरी मदद कीजिए। इस दीवार को पार करने के लिए मुझे कोई तरीका बताइए। बेटी, इस मंत्रित दीवार तुम ऐसे नहीं तोड़ पाओ। इसे पार करना है तो अपने नाग रूप में आओ। चलो चलो चली चलो।
सारे लोगों के होने के बावजूद कहाँ गायब हो गई? घबराओ मत सरोज, बच्ची है, खेलते खेलते आसपास कहीं चली गई होगी। तो मिल क्यों नहीं रही? मिल जाएगी ना सरोज, सब लोग तो उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा है कहीं चली जाए, हमारे सर से तो मुसीबत टले। बेटी, हमारी अमृता है ही इतनी प्यारी बच्ची, हमें तो डर है कहीं कोई उसे उठा कर ना ले गया। ओफो, आपके जो मुंह में आए ना कुछ भी बोलते रहते हैं आप। अरे ये भी नहीं सोचते कि किसी पर क्या बीत रही है। सरोज बेटी, तुम चिंता मत करो, अमृता को कुछ नहीं होगा। अरे हम सब ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है। अमृता बेटी कहीं नहीं मिल रही है। हमने पड़ोसियों घर में भी पूछा, वो वहां भी नहीं है। सारी गाड़ियां निकालो, आसपास का सारा इलाका छान मारो। नहीं हो रहा विशा का मौसी, नहीं हो रहा। चलो 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 इस तरफ। विशा का मौसी कुछ कीजिए, रास्ता बताइए। अमृता, मंदिर से जल का कलश उठाओ और पूरी श्रद्धा से मन ही मन शिव स्त्रोत का पाठ करके जल को इस दीवार में छिड़को। और तेज बच्चा, और तेज। ये क्या हो रहा है बच्चा? हटो, सामने से हटो। समय नहीं है हमारे पास। रुद्राक्ष की शक्तियां अनंत है अमृता, वो शैतानी शक्तियों को रोक सकता है। उसे अपने सीधे हाथ में रखकर दीवार के पास शिव जी के मंत्रों का जाप करो। वो कुछ वक्त के लिए उन इंसानों को रोक देगा जो मंदिर की तरफ तुम्हारा नुकसान करने आ रहे हैं। चलो चलो। जल्दी चल। आसान नहीं है।
लेकिन फिर भी हम उस नागिन को मौका नहीं देना चाहते। चलिए चलो। चलिए चलो बच्चा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तेज और तेज बच्चा, और तेज। डरो मत अमृता, इसका मतलब है एक मुखी रुद्राक्ष ने अपना काम कर दिया है। ये क्या कर दिया बच्चा? लगता है टायर फट गया। क्या? ये क्या हो गया? नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बच्चा। ये उस नागिन का हमारे प्रयासों को रोकने का परिणाम है। आज वो नागिन हमारे शिकंजे से नहीं बच सकती। अब हम क्या करेंगे? वो मंदिर यहाँ से कुछ ही दूर पर है। चलो कच्चे रास्ते से पैदल चलते हैं। चलिए। विशाखा मौसी, अब इस दीवार को कैसे पार करूं? अमृता, रुद्राक्ष के टुकड़े को हाथ में लेकर दीवार को पार करने की कोशिश करो। साथ में मंत्रोच्चार करती रहना। Oh, shit.
बाबा, वो नागिन कहीं नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। नागिन हमारे शक्तियों के जाल को तोड़कर कैसे जा सकती है? हम कुछ सुनना नहीं चाहते कमिश्नर साहब। कहीं से भी ढूंढ लाई हमारी बच्ची, हमें हमारी बच्ची हर हाल में चाहिए। कहीं से भी ढूंढ लाई उसे। अच्छा ही है, उधर वो लड़की मर खप जाए, इधर ये सरोज रो रो कर जान दे दे। भगवान पे भरोसा रखो बेटी, अमिता को कुछ नहीं होगा। तो फिर हमारा दिल क्यों नहीं मान रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अमृता किसी मुसीबत में है? मैं ठीक हूँ। चोट लगती है। ये सब कैसे हुआ बेटा? चलिए इसको वहां लेके चलो। रखो रखो, दवाई लेके आओ। महेश जल्दी दवाई लेके आओ, दूध में हल्दी डाल के लेके आओ। काका साहब, हां जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हां हां बेटा। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नागिन यहाँ से बच कैसे गई। इतना बड़ा जाल बिछा, इतना अच्छा मौका खो दिया हमने, अब वो हमारे हाथ कैसे आएगी बाबा? चिंता मत करो रुद्रा, नागिन हमारी शक्तियों से नहीं बच पाएगी। ये विश्वास तो हमें इस बार भी था बाबा। रुद्रा, शक्तियों पर शक कर रहे हो? नहीं, क्षमा कीजिए बाबा, हैरान है, परेशान है, पता नहीं उस नागिन का हम वापस कैसे लाएंगे। आएगी, अवश्य आएगी, हमारी शक्तियां अपार। इस बार तो वो हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर निकल गई, लेकिन उसे वापस आना होगा, हम उसे वापस लाएंगे। आप ऐसा क्या कर रहे हैं बाबा, जिससे वो खुद अपने मौत के मुंह में खींच चली आएगी?